दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल का बटन जरूर प्रेस करेगा ताकि हमारी जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल सके। दोस्तों हम सभी हमारे मालूम YouTube तो ज़रूर यूज़ करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं इसी YouTube की 5 ऐसी हिडन सेटिंग के बारे में जो कि आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको इन 5 सेटिंग के बारे में पता नहीं तो आप इस वीडियो को जो एंड तक वॉच करेगा जिससे कि आप जान पाए कि कौन सी है YouTube की वो 5 सेटिंग। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अंशुल और आप देख रहे हैं टेक्निकल माय मोबाइल। तो चलिए उससे जानते हैं YouTube की वो 5 सेटिंग जो कि हमें ज़रूर पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हमें हमारे मोबाइल में YouTube ओपन करना है। जैसे हम YouTube ओपन करेंगे तो हमें यहाँ बहुत सारे वीडियोस देखने मिलेगी। अब जैसे कि आप जानते हैं कि YouTube पे मैच्योर वीडियोस आती है जो कि 18 प्लस होती है। अगर आप किसी बच्चे को आपका फ़ोन देते हैं और अगर वो YouTube ओपन करते हैं तो उसके सामने भी ये वीडियोस आ सकती है। तो इसीलिए YouTube ने एक न्यू फीचर दिया है जिसके लिए हमें यहाँ नीचे देखने मिलेगा प्रोफाइल बटन, इसमें हमें करना है। फिर टॉप राइट साइड में हमें यहाँ देखने मिलेगा सेटिंग्स का आइकन, इस पर हमें क्लिक करना है। जनरल पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ एक सेटिंग देखने मिलेगी जो कि रिस्ट्रिक्टेड मोड। ये सेटिंग बाय डिफॉल्ट यूट्यूब में बंद होगी तो हमें इस सेटिंग को ऑन करना है जिससे कि यूट्यूब फीड में ऐसी वीडियो नहीं आएगी जो कि मैच्योर लोग देख सकते। ये हो गई हमारी फर्स्ट नंबर की सेटिंग। बात करते हैं सेकंड नंबर की सेटिंग के बारे में। अब जो सेकंड नंबर की सेटिंग है वो इंटरनेट के ऊपर है। अगर आपके मोबाइल में इंटरनेट जल्दी ख़त्म हो जाता है तो आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अब होता क्या है कि जब भी हम यूट्यूब में किसी मूवी या फिर वीडियो को डाउनलोड करते हैं ताकि हम बाद में उसे देख, जैसे हम किसी मूवी को या फिर वीडियो को डाउनलोड करते हैं तो हमारे मोबाइल में जो इंटरनेट है वो पूरा ख़त्म हो जाता है। तो हमें करना क्या है, नीचे जो प्रोफाइल बटन हमें देखने मिल रहा है इसमें हमें क्लिक करना है। जैसे हम सेटिंग्स ओपन करते हैं यूट्यूब का तो हमें स्क्रॉल करना है, फिर हमें यहाँ देखने मिलेगा डाउनलोड, इस पर हमें क्लिक करना है। अब जो डाउनलोड क्वालिटी है ये सेट होगी आपके मोबाइल में मीडियम 360 क्वालिटी में। अब हो सकता है आपके मोबाइल में ये फुल HD पे सेट हो जिससे कि आपके मोबाइल का जो इंटरनेट है वो पूरा कंज्यूम होगा। तो हमें इसे करना क्या है कि जो इसकी डाउनलोड क्वालिटी है इसे लो 144 क्वालिटी पे सेट करना है जिससे कि कोई भी वीडियो या फिर मूवी लो क्वालिटी पर ही डाउनलोड होगी जिससे कि हमारे मोबाइल में जो इंटरनेट है वो बहुत ही ज़्यादा सेव होगा। ये हो गई हमारे सेकंड नंबर। अब बात करते हैं थर्ड नंबर की सेटिंग के बारे में। तो होता क्या है कि जब भी हम किसी वीडियो को बार बार देखते तो उसी से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस YouTube के फीड में हमें देखने मिलती है। तो इसे रोकने के लिए हमें करना क्या है, नीचे हमें प्रोफाइल बटन देखने मिलेगा, इस पर हमें क्लिक करना है। जो ईमेल आईडी से आपने YouTube में लॉगिन किया है उसके नीचे आपको देखने मिलेगा स्विच अकाउंट, गूगल अकाउंट और टर्न ऑन इकोग्निटो। अब जैसे कि आप देख सकते हैं जो टर्न ऑन इकोग्निटो वाली जो सेटिंग है, जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो जो YouTube है वो इकोग्निटो मोड में चला जाएगा। यानी कि आप जो भी वीडियो YouTube में वॉच कर रहे उसी से रिलेटेड अलग अलग वीडियोस हमें YouTube में नहीं देखने मिलेगी। एक प्रकार से आप बोल सकते हैं कि YouTube का प्राइवेटली यूज़ कर सकते हैं। कुछ भी हम YouTube में वीडियो देखेंगे वो हमें YouTube के जो होम पेज है उस पर शो नहीं करेगा। अब ये हो गई हमारी थर्ड नंबर की सेटिंग। बात करते हैं फोर्थ नंबर की सेटिंग के बारे में। तो नीचे हमें देखने मिलेगा प्रोफाइल बटन, इस पर हमें क्लिक करना है। फिर हमें यहाँ टॉप राइट साइड में देखने मिलेगा सेटिंग्स का बटन, इस पर हमें क्लिक करना है। जनरल पर क्लिक करना है और जो अपीयरेंस है इस पर हमें क्लिक करके इसे डार्क सेट कर देना है जिससे कि जो YouTube है वो डार्क थीम में कन्वर्ट हो जाएगा और ऐसे में हमारे मोबाइल में जो बैटरी है वो जल्दी ख़त्म नहीं होगी, जो बैटरी की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। ये हो गई हमारी फोर्थ नंबर की सेटिंग। अब जो फिफ्थ नंबर की सेटिंग है वो भी इंटरनेट रिलेटेड ही है। तो जैसे कि दोस्तों आप जानते हैं कि हम YouTube में बहुत सारे वीडियोज़ वॉच करते हैं और जब भी हम स्क्रॉल करते हैं तो कोई भी जो वीडियो है वो विदाउट क्लिक किए प्ले हो जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। ये वीडियो पे मैंने क्लिक भी नहीं किया लेकिन ये वीडियो ऑटोमेटिकली प्ले होना शुरू। ऐसे में भी हमारे मोबाइल में जो इंटरनेट है वो जल्दी ख़त्म हो सकता है। तो हमें फिर से क्लिक करना है प्रोफाइल बटन पर, फिर सेटिंग्स पर क्लिक करना है, फिर से हमें जनरल पर क्लिक करना है। यहाँ देखने मिलेगा प्ले बैक एंड फीड्स, इस पर हमें क्लिक करना है। ये सेट होगा ऑलवेज ऑन पे तो हमें इसे ऑफ कर देना है। अब ये सेटिंग करने के बाद कोई भी वीडियो हमारे विदाउट क्लिक किए प्ले नहीं होगी, जैसे कि आप देख सकते अभी जो वीडियो है वो प्ले नहीं हो रही है। तो जैसे कि मैंने आपको YouTube के 5 हिडन सेटिंग बता दिए हैं जो कि आपको पता होना चाहिए। आइए दोस्तों, आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपका दिन शुभ हो।